हाय गाइस, कुछ दिनों में आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम है और ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको अभी भी प्रीलिम्स में दिक्कत आ रही है या आप 40s में आपके मार्क्स 50s में स्टक कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने लास्ट के कुछ दिनों में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ये स्टिल पॉसिबल है। देखो, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है एंड आईबीपीएस पीओ की जो कट ऑफ है पिछले 3 सालों की बात करूं तो 50s में गई है। आईबीपीएस पीओ में इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती प्रीलिम्स की एंड आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर एक मॉडरेट पेपर की बात करूं, मॉडरेट पेपर में आपको आराम से अगर आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो तो आराम से आपका एग्जाम क्लियर होने का चांस होता है। ऑब्वियसली बहुत सारी शिफ्ट्स होती है, नॉर्मलाइजेशन होता है, इसीलिए आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ती है। जो बनाओ, जितने क्वेश्चन बनाओ उसको एक्यूरेटली बनाना होता है। देखो, अपने को ना कोशिश ये करनी है, मैं एक मॉडरेट पेपर के हिसाब से बता रही हूँ। अगर पेपर ईजी होगा तो आपके अटेम्प्ट अपने आप बढ़ जाएंगे और अगर पेपर टफ होगा तो अटेम्प्ट अपने आप कम हो जाएंगे। कभी कभी बहुत टफ पेपर भी आता है तो आपके जो अटेम्प्ट होते हैं 50, 52, 55, इस तरह से एवरेज अटेम्प्ट हो जाते हैं पीओ के पेपर में। लेकिन मैं एक मॉडरेट पेपर का बताऊं तो 60 अराउंड अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सही जाओगे। इंग्लिश की बात करूं तो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में मिनिमम में 15 नंबर हमारे आ जाए। कैसे क्या आएंगे मैं आपको बताऊंगी। इंग्लिश में आपके 15 मार्क्स आ जाए, क्वांट में हम 20 मार्क्स का टारगेट रखेंगे कि कम से कम 20 नंबर का हम बना ले, और रीजनिंग में 25। ऐसा करके 60 मार्क्स तो आपके यही हो जाएंगे। 60 नंबर का पेपर मिनिमम में यहाँ आपका अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे। और आगे पेपर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप जिस सब्जेक्ट में, मतलब हर एक एस्पिरेंट का तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता, तीनों सब्जेक्ट वीक भी नहीं होता, हर किसी का एक ना एक सब्जेक्ट थोड़ा सा अबव एवरेज होता है, एक एवरेज होता है, एक बिलो एवरेज होता है, इस तरह से होता है। तो कोशिश ये करनी है कि आप बेयर मिनिमम इतने क्वेश्चन बनाओ हर सब्जेक्ट के जितने मैं बताई हूँ, और इसके अलावा आपका जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है आप उसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लो। जैसे कि बहुत लोगों का रीजनिंग स्ट्रांग होता है तो वो 30 अराउंड भी अटेम्प्ट कर आते हैं, तो अगर किसी अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बना लोगे तो आप सॉर्टेड हो, आपके 60 प्लस अटेम्प्ट्स हो जाएंगे और आपका एग्जाम क्लियर होने का 100% चांस रहेगा। देखो, जिन एस्पिरेंट को सारे टॉपिक्स आते हैं और आपको सिर्फ स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड आप लैक कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स की, सेक्शुअल मॉक्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। और सेकेंडली, अगर आपके पास स्मार्ट कीड़ा का स्पीड ड्रिल है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज वो स्पेशली स्पीड इंक्रीज करने के लिए ही उसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। और आज स्मार्ट कीड़ा का ऑफर भी चल रहा है, अगर आप आज कुछ भी परचेज करना चाहो आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको किन 5 टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन। सबसे पहले तो देखो, अगर हम इंग्लिश से स्टार्ट करें, आपके इंग्लिश में अगर आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 8-9 नंबर का आता है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज है जिसमें क्वेश्चंस भी वही हैं और आंसर्स भी आपको वही दिया है। इट्स एन आर्ट, मुझे ये एक आर्ट लगता है। अगर आप आरसी को अच्छे से पढ़ना समझना सीख गए तो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक भी क्वेश्चन गलत हो ये चांस नहीं होता, क्योंकि देखो क्वेश्चन भी वही है, ऑप्शंस आपको दिया है और आंसर भी उसी पैसेज में है। आपको बाहर से अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, उस पैसेज को रीड करना है, वहां पे आपको आंसर मिल गया, कभी डायरेक्टली मिल जाता है, कभी थोड़ा इनडायरेक्टली मिलता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन एक्स्ट्रा बाहर की इंफॉर्मेशन कुछ वहां पे आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपको पूरा अपने दिमाग से वहीं पे पैसेज को पढ़ के अटेम्प्ट करना होता है। सो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेली 7-8 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करो, आपको कोशिश करना है एक आरसी आपका 8 से 9 मिनट में बन जाए, बिकॉज मोर देन सफिशियंट टाइम है प्रीलिम्स की आरसी सॉल्व करने के लिए। 8 से 9 मिनट सफिशियंट है, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारी चीजें भी तो बनाओगे इंग्लिश में, और अभी आपका 7 दिन बाद एग्जाम है, आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करना है तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपको आरसी डेली की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उसमें आप अपना थोड़ा डेवलप करो अपने आर्ट को, और वहां जाके आरसी के आप सारे मार्क्स निकाल लो। इसके अलावा इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि क्लोज टेस्ट इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, और इंग्लिश में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस मात्र 5 क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर के आते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन या तो आपका रीडिंग बेस्ड होगा या तो वोकैबुलरी बेस्ड होगा। तो आपको वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करनी है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे आप वोकैब में मार्क्स ले पाओगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिसको ग्रामर बिल्कुल नहीं आता अभी, ग्रामर को बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अभी कुछ दिनों में आप ग्रामर कवर नहीं कर पाओगे, और ग्रामर के सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एटलीस्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जिनको थोड़ी भी ग्रामर आती है उनको मैं सजेस्ट करूंगी
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और आपका टेंसेस, ये दो टॉपिक की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो। लास्ट के कुछ दिन डेली के 5-5, 10-10 क्वेश्चन भी ये दो टॉपिक के बनाओगे, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको इन दो टॉपिक्स के मिल ही जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हमेशा आता ही आता है और टेंस का भी आपका आता है। कुछ आधा से आधा स्टेटमेंट आपका पास्ट टेंस में दे दिया, आधा प्रेजेंट में दे दिया या फ्यूचर में दे दिया, तो वो बहुत ईजी होता है उसको ढूंढना। और अब आराम से आपका ये चीज बन जाएगा। इंग्लिश में आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है, आरसी की करो, वोकैबुलरी के लिए क्लोस्टर्स की करो, और इतना सफिशिएंट है, ग्रामर आता हो तो ये दो टॉपिक को अच्छे से कर लेना। बात करते हैं क्वांट की। देखो क्वांट में 2 DI आपकी कंफर्म आती है, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है। 10 नंबर का स्पीड मैथ्स आता ही आता है, कभी उसमें सिंप्लीफिकेशन दे देता है, कभी नंबर सीरीज दे देता है, कभी इनइक्वालिटी दे देता है, और DI में भी कभी कभी केसलेट भी डाल देता है। तो 20 नंबर आपके यहीं से निकल जाएंगे, DI और स्पीड मैथ्स मिला के श्योर शॉट निकल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस करो, स्पीड मैथ्स की 1 घंटा प्रैक्टिस करो, सब आना चाहिए उसमें, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, आपका अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन हो गया, और इनइक्वालिटी हो, DI हो गई। डेली की 5 या 10 DI आप प्रैक्टिस करो, और केसलेट भी आपको अलग से प्रैक्टिस करना है। कभी कभी एग्जाम में बहुत ईजी केसलेट देता है, आप 2-3 मिनट में बना लेते हो क्योंकि इसकी स्टेटमेंट्स बहुत ईजी होती है, और डायरेक्टली आपको वहां से 5 नंबर मिलेगा। तो क्वांट में आप सिर्फ इतना कर लोगे तो ही आपके श्योर शॉट 20 मार्क्स निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जो एजेस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये इससे उतना साल बड़ा है, वो इससे उतना साल छोटा है, ये बहुत ईजी होता है। रेशियो प्रपोर्शन का भी अगर क्वेश्चन आता है वो भी ईजी होता है, रेशियो बेस्ड अगर आ गया वो तो बहुत ईजी होता है, और इसके अलावा लास्ट परसेंटेज बेस्ड कुछ आ गया तो भी बहुत ईजी होता है। ये 3 टॉपिक आप अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करो, इसके अलावा आप सब छोड़ सकते हो, मैं आपको 100% बोल रही हूँ। इसके अलावा आप नहीं भी कुछ करोगे तो यहीं से आपके 20 मार्क्स आराम से निकल जाएंगे। और लास्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में तो आपको पजल्स की भर भर के प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो आपके 4 पजल्स श्योर शॉट आएंगे, कोई भी शिफ्ट हो 4 पजल आएगा, 1 पजल 5 क्वेश्चन का आता है, 20 क्वेश्चन आपके यहीं पे, अगर आपने पजल्स में पकड़ बना ली, चारों पजल बना आओगे, 20 मार्क्स तो आपके यहीं पे निकल जाएंगे। और इसके अलावा रीजनिंग ना सबका डुएबल साइड पे होता है, सब रीजनिंग बना लेते हैं, तो अगर आपका सिलॉजिज्म आया हो, इनइक्वालिटी बेस्ड कुछ आया हो, या फिर चाइनीज कोडिंग जो होता है वो आया हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से आपके मार्क्स निकल ही जाएंगे। तो रीजनिंग में 25 मार्क्स तक लाना इट्स वेरी इजी। डेली पजल की प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा ज्यादा हो सके। अगर आपको पजल का अप्रोच नहीं आ रहा ना, कि आप अप्रोच किस तरह से उस पजल को कंडीशंस को लिख के बनाना है, तो आप अंकुश लांबा सर की पजल्स की प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी लास्ट के 7 डेज है, मैंने लास्ट टाइम ये किया था, बहुत मेरे लिए हेल्पफुल था। अंकुश लांबा सर की यूट्यूब में आई थिंक प्लेलिस्ट पड़ी होगी अभी भी, और वही सीरीज से आप डेली के 5-5, 10-10 पजल्स बनाते चलो, 2-3 मिनट में बनाने का ट्राई करो। 2 मिनट तो कम हो गया, लेकिन 3 मिनट में एक पीओ की पजल बन जानी चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप फिर ऑप्शंस भी टिक लगाओगे, उसमें भी कुछ सेकंड्स जाते हैं, और इसलिए आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। टाइम मैनेज कर पाओगे तभी आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आप रीजनिंग में पजल्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हो, इसके अलावा आपके मिसलिनियस के कुछ कुछ टॉपिक्स आप देखे चलो, डायरेक्शन भी बहुत ईजी होता है, वो सबको आता ही होगा, और ये सारे टॉपिक्स मिला जुला के आप रीजनिंग में आराम से 25 स्कोर कर सकते हो, 25+ ही स्कोर कर लोगे। मैं खुद 35 out of 35 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पूरा स्कोर किया है मैंने। इतना करने के बाद श्योर शॉट है कि आपके अगर अभी 40 से 45 नंबर आ रहे हो, आपके अभी जितने भी मार्क्स आ रहे हो 15 से 20 मार्क्स आपके इनहांस हो जाएंगे कंफर्म। इसी के साथ ये वीडियो में इतना ही था, मैं आपको यही बताना चाहती थी, अगर आप अभी इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करोगे आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू फॉर मोर सच वीडियोस जो आपको हेल्प कर सके आपकी प्रिपरेशन में। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।